भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तन्वी, आज मैं ऑफिस से जल्दी छूट गया था, फिर साहब ने मुझे कहा कि चले जाओ, फिर ये बारिश भी हो रही थी तो मैंने कहा तुझे लेके चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरी कोचिंग में आने की, ये ड्राइवर वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तन्वी, जॉब पे जाने के लिए तो यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है। अच्छा तो मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूंगी, मेरे भाई एक मामूली सा ड्राइवर है। तन्वी, इसी ड्राइवर की नौकरी की वजह से हमारा घर चलता है, पर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, लेकिन मैं अपने दोस्तों के सामने ना अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। अरे तन्वी, ये कौन है? वो मेरे भैया ने ना ड्राइवर भेजा है। बारिश बहुत हो रही है, तुम भी चलो साथ में। ओके चलो ड्राइवर। एक गिलास पानी देना। हाँ। भैया, मैं आपके लिए एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर लाई हूँ। जॉब का ऑफर? पर तन्वी, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ और ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे भैया, यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग से आपको लोग मिलेंगे और इसमें पैसे भी ज्यादा हैं। अब आपको किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मेरे मालिक बहुत भरोसा करते हैं मुझ पे तन्वी। क्यों करनी है आपको ये घटिया सी नौकरी? तन्वी, तुम समझने की कोशिश करो, कुछ मजबूरियां हैं मेरी। इस 2 करोड़ की नौकरी के लिए आपकी कौन सी मजबूरी है? तन्वी, तेरे भैया सही कह रहे हैं, वो अभी नौकरी नहीं छोड़ सकते। तो क्या जीवन भर अपने मालिक का ड्राइवर बन के रहेंगे? मेरे सारे फ्रेंड्स के घर वाले अच्छी अच्छी नौकरी करते हैं और ये है कि... तन्वी, कैसे बोल रही है अपने बड़े भैया के साथ? मैं ठीक बोल रही हूँ मम्मी, मुझे तो इन्हें अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। And sir, I think this job would be a great opportunity for me. Mm-hmm. Sir, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ सतीश। सर, ये फाइल मंगाई थी आपने? हाँ, रख दो यहाँ पे सतीश। तन्वी, तुम यहाँ? तुम जानते हो उसको? सर, यही तो मेरी छोटी बहन है तन्वी। अच्छा, ये वही है जिसके... हाँ, खैर, तन्वी तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। सॉरी सर, पर मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर क्यों? कुछ नहीं सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। सतीश, तुमने मुझे कुछ बोलने से मना क्यों किया? साहब, मैं नहीं चाहता था कि तन्वी को असलियत के बारे में कुछ पता चले। लेकिन वो इस तरह उठ के चली क्यों गई? पता नहीं साहब, आज क्या हुआ उसे। हाँ, लेकिन तुम उससे इस बारे में बात जरूर करो। एक्चुअली शी इज गुड फॉर द जॉब। मैं बात करूंगा उससे। राइट। अरे तन्वी, क्या हुआ बेटा इंटरव्यू का? कुछ नहीं हुआ मम्मी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मम्मी, मैं वहां जॉब नहीं करना चाहती जहां भैया की सिफारिश लगती हो। सिफारिश? तो कहना क्या चाहती है? जहां मैं आज इंटरव्यू देने गई थी ना, भैया उन्हीं के ड्राइवर हैं। मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में सब लोग मुझे ड्राइवर की बहन कहें। तन्वी, अब बस एक लफ्ज ना निकले मुंह से। तुझे पता भी है तेरा भाई ये नौकरी क्यों कर रहा है? हां, क्योंकि उन्हें इतना प्यार जो है अपने बॉस से। नहीं, मुझे सतीश ने सच बताने को मना किया है, पर मुझे लगता है सच बता ही दूं। कैसा सच? तुम्हारा भाई ये ड्राइवर की नौकरी सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा है। मेरी वजह से? तुम्हें पता भी है ये जो तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही हो उसकी फीस कौन दे रहा है? हाँ, पापा छोड़कर गए थे मेरे लिए पैसे, वरना ड्राइवर की नौकरी से थोड़ी घर चलता। नहीं, कुछ साल पहले तुम्हारे भाई ने अपने मालिक की बेटी की जान बचाई थी और तब मालिक ने बदले में कुछ मांगने को बोला था। तब पता है तेरे भाई ने क्या मांगा था? क्या? उसने उस वक्त ये बोला कि मेरी बहन को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तब उस मालिक ने तेरी कॉलेज की फीस दी और साथ में सतीश को नौकरी दी, जिसकी वजह से हमारा घर चल रहा है।
मम्मी ये कैसी बात कर रहे हो आप? और आज तक आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? सिर्फ इसलिए कि सतीश की नौकरी की वजह से तू अपने आप को दोषी ना समझ ले। क्या हुआ तुझे? भैया, I'm really sorry भैया। मैंने आज तक आपको बहुत कुछ बुरा बोला था, पर आज मम्मी ने मुझे सब कुछ सच बता दिया भैया। सब कुछ सच बता दिया मतलब? यही कि आप ये ड्राइवर की नौकरी मुझे पढ़ाने के लिए कर रहे थे। आपने से मुझे पता है बेटा कि नहीं बताना था, पर आज जरूरी हो गया था ये सब कुछ बताना। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। देख बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विट्स क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कॉमेंट सेक्शन में। टेक केयर। जोर से बोलो हैप्पी डीडी।